रोयल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। बीएचयू के बाद में अब आपका कल 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपके आईसीआर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो रोयल संस्थान उदयपुर की ओर से इस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले जो रूल रेगुलेशन आपके एडमिट कार्ड के साथ में दिए गए हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें और जो जो चीज़ें आपको बताई गई है उन सबको फॉलो करें। एक बेसिक पॉइंट मैं बता दूंगा, कोविड-19 से रिगार्डिंग आपका जो एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज है उस पे कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो बहुत सारे बच्चे उसको लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है। अगर आप कोविड-19 के पेशेंट नहीं हैं या उससे रिगार्डिंग जो 4 पॉइंट दिए हैं अगर उनसे रिगार्डिंग आपका कोई भी केस नहीं बनता है तो आपको उसको ब्लैंक छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना। उसके नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो आपका थंब इम्प्रेशन से रिगार्डिंग है जो कि आपका लेफ्ट हैंड का है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ही लेफ्ट का मांगा उन्होंने। इसके अलावा आपकी एक फ़ोटो मांगी है, फ़ोटो उसमें वो मांगी है जो आपने फॉर्म में अपलोड किया। आप ऊपर की साइड देखोगे ऊपर जो फ़ोटो दी हुई है सेम वही फ़ोटो लगानी है। अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास वो फ़ोटो अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें मिलती जुलती दूसरी फ़ोटो लगा सकते हो। तीसरा उसमें जो है पेरेंट्स के साइन मांगे हैं तो आप पेरेंट्स के उसमें साइन करवा दें। इसके अलावा पेरेंट्स या गार्जियंस के साइन करा सकते हैं। नीचे कैंडिडेट साइन है वो आपको एग्जाम हॉल के अंदर ही आपको वहाँ साइन करना उस पर है। बाकी आप अच्छी तरीके से जाएं, बिना टेंशन के पेपर दें, टाइम का पूरा सही सदुपयोग करें और जो पेपर के अंदर जिन जिन सभी बातों को फॉलो करना होता है उन सबको आप अप्लाई करें, किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। हाँ, यह आपको ज़रूर देखना है क्योंकि अलग दो पारी में एक दिन में पेपर हो रहा है और 3 दिन टोटल आपका पेपर होगा, तो एक दूसरे से बच्चे जो क्वेश्चन आए उनके बारे में डिस्कस करें लेकिन उनके ऊपर आश्रित ना हो और जिसका पेपर हो गया वो अगले पेपर की तैयारी करें। फॉर एग्जांपल जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके 29 को JET का पेपर हो रहा है तो आपका जैसे ही ICAR का पेपर कंप्लीट हो आप 29 पे दिमाग लगाएं, न कि आप इधर उधर दूसरे को उस पेपर के बारे में ज़्यादा डिटेल दें। हाँ, कोई पूछे तो जो आप जितना आपको याद रहा उतना बताएं, बाकी आप उस पेपर का ध्यान रखें जो आपका 29 का होना है क्योंकि कई बार ICAR के अंदर जो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है ना तो कई बार ऐसी कॉलेज मिल जाती है ICAR में जो स्टेट लेवल से भी ज़्यादा अच्छी रैंक की नहीं होती, इसलिए आपको स्टेट लेवल के एग्जाम को भी तवज्जो देनी है और जब तक आपका JET का पेपर नहीं हो तब तक आपको लगातार लगे रहें। एक बार फिर से आपको रोयल संस्थान उदयपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार, फैकल्टी इन केमिस्ट्री। बड़ा जिस दिन का हमें इंतजार था आज भी दिन आ गया है अपने एग्जाम का। ये एग्जाम है आपके कॉन्फिडेंस का, आपके धैर्य का और आपके परिश्रम का। निसंदेह हमें विश्वास है आप पर कि आप नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छुएंगे, नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम एंड डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। तो फाइनली आपका एग्जाम आ गया है और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से और रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, आराम से पेपर करना और इजी पेपर आएगा, तसल्ली से पेपर करना, आपको हमेशा सफलता मिलेगी और जरूर सफलता मिलेगी। चलिए बेस्ट ऑफ लक उदयपुर, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आराम से पेपर करना, बहुत अच्छा आने वाला है, आप लोगों को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अगेन बेस्ट ऑफ लक। मैं डॉक्टर साजिद अली, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर की तरफ से आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल का एग्जाम जो है अपने कंपटीशन एग्जाम का वो आप बहुत ही शानदार करें, स्ट्रेस फ्री रहें और अपना बेस्ट दें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि साल भर की मेहनत का नतीजा सामने आने वाला है और निश्चित ही आप लोग इसके अंदर सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ICAR एग्जाम। सभी अपने आप पे विश्वास बनाए रखें, अच्छे से पेपर अटेंड करें, आपको बहुत अच्छा पेपर होगा। सभी विद्यार्थियों को ICAR के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर करें और कोशिश करें कि इजी क्वेश्चन को पहले करें और टफ क्वेश्चन हो उनको बाद में हल करें। नेगेटिव मार्किंग से बचें और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कृपया करके छोड़ देवें। बहुत अच्छा पेपर होगा, आराम से करें, माइंड फ्रेश रखें। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो ICAR एग्जाम। स्टूडेंट्स, गो विद पॉजिटिव एटीट्यूड टू अटेंड द एग्जाम। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो ICAR एग्जाम। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम। आई होप बेटा बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि हमें पता है आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी। सो बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, जिस एग्जाम के लिए आपने पूरे साल दिन रात मेहनत करी है उस एग्जाम के लिए मेरी तरफ से, पूरे रॉयल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत बढ़िया करोगे। बस धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। जो कुछ भी आपको पढ़ाया है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है पूरे साल का, उसी
वैसे ही आएगा ये मान के चले। सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे खुल रखे उन चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करना, ठीक है। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आईसीआर के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। समय पे जाना, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना, इजी क्वेश्चनों को पहले, हार्ड क्वेश्चनों को बाद में सॉल्व करना, फ्री माइंड जाना, चिल आउट करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।